वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा दोस्तों आज के एग्ज़ाम्स में जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आए थे वो काफ़ी ज़्यादा आसान लेवल के थे लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आई थी कि रूट का कंपेयर कैसे करना है जब दोनों रूट नेगेटिव हो तो मैं आ, आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और वो पांच जो क्वेश्चंस आपके आज के एग्ज़ाम्स में पूछे गए उनका मेमोरी बेस्ड एनालिसिस यहाँ पर मैं करूँगा तो जो लोग पहली बार भी वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट उनको मिलता रहे और दोस्तों वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं और साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जैसे ही पांच हमें ऑप्शन दिए होते हैं एक्स इज ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई एक्स इज लेस देर इक्वल्स टू बाई एक्स इज लेस देन बाई या फिर एक्स बाई के बराबर हो जाएगा तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश होगा ठीक है अब जो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आ रही थी कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्स माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर जो है वो जीरो के बराबर है तो आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बारह का स्क्वायर कितना हो गया वन डबल फोर माइनस अब ये क्या है कि बारह इंटू टू होगा चौबीस और ये ट्वेंटी फोर एक्स आप लोगों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ओपन करना आता होगा वही मैंने यहाँ पर किया है ठीक है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी इक्वल टू जीरो तो आप क्या करें कि इस वाली इक्वेशन को ओके okay, जो ये है प्लस वन डबल फोर इसको इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी फोर एक्स प्लस वन डबल फोर इक्वल टू जीरो अब आपकी क्वाड्रेटिक बन गई अब आप देख लो कि एक सौ चालीस के रूट किस तरह से करने के आपका चौबीस बन जाए तो मैं कह रहा हूँ माइनस बारह और माइनस बारह इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस का एक सौ चालीस मिल जाएगा दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का ट्वेंटी फोर बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आपकी आ जाएंगी एक आपकी प्लस ट्वेल्व आएगी और ये भी आपकी क्या आएगी प्लस ट्वेल्व आएगी आपकी एक्स की दोनों वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई ठीक है अब क्या करना है बाई की इक्वेशन क्या है डायरेक्टली दिया है बाई स्क्वायर इक्वल टू वन डबल फोर तो मैंने आपको बताया जब बाई स्क्वायर है तो ये भी क्वाड्रेटिक होता है तो यहाँ पर बाई की दो वैल्यू निकल कर आएंगी एक आपकी प्लस आएगी और एक आपकी माइनस आएगी तो प्लस बारह और माइनस बारह अब कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो एक्स की ट्वेल्व से अगर कंपेयर करते हो इसके बराबर में तो ये इसके बराबर है तो एक्स जो है वो बाई के बराबर हो जाएगा फिर इस वाली माइनस वाली वैल्यू से कंपेयर करोगे तो ये एक्स जो है वो बड़ा हो जाएगा ओके okay, अब यही सेम प्लस ट्वेल्व के साथ होगा वो भी इसके बराबर होगा बराबर का सिंबल लगा चुके हैं और ट्वेल्व जो प्लस का ट्वेल्व है इस माइनस ट्वेल्व से बड़ा होगा तो अल्टीमेटली रिलेशन आपका क्या आया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई ये आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट right आंसर यहाँ पर दोस्तों बनेगा ठीक है एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला अब देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है इसमें क्या दिया है नॉर्मल इक्वेशंस दिए हैं एक्स और बाई के टर्म्स में इसको आपको निकालना है तो यहां पर देखो टेन है प्लस का टेन बनाना है और प्लस के टेन के फैक्टर करने की माइनस का सेवन बन जाए तो आप क्या करो कि टेन के फैक्टर टू और फाइव होते हैं ओके तो क्या है कि माइनस सेवन बनाना है तो आप क्या करो इन दोनों की माइनस माइनस लगा दो तो क्या हुआ कि दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का सेवन बन जाएगा जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस का टेन मिल जाएगा तो एक्स के यहाँ पर दो रूट निकल कर आ गए एक आपका क्या आया प्लस का टू आया और क्योंकि असाइन भी हमें अपोजिट करने होते हैं ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो मैंने टेन के फैक्टर किए हैं टेन के फैक्टर टू और फाइव और मैंने यहां पर सेवन बनाया तो माइनस टू माइनस फाइव जब हम रूट लिखेंगे तो दोनों के साइन सिंबल अपोजिट करेंगे का अभी आप यहां पर तो यह क्या by कैसे तोड़ोगे सेवन और फाइव में तो माइनस का सेवन माइनस का फाइव दोनों को जोड़ दो तो आपका बारह बन जाएगा माइनस का बारह और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का थर्टी फाइव सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव ठीक है तो यहाँ से बाई की भी दो वैल्यू निकल कर आ गई प्लस सेवन और प्लस फाइव तो सीधा सीधा देख लो ये दो जो है ये क्या है इस सेवन से छोटा है तो मैंने यहाँ पर छोटे का सिंबल लगा दिया अब ये दो जो है फाइव से भी छोटा है मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस फाइव जो है ये सेवन से छोटा है छोटा सिंबल लगा हुआ है एक्स और बाई के बीच में रिलेशन हो रहा है अब जो फाइव है वो आपका इस वाले फाइव के बराबर है तो आप यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो रिलेशन आपका क्या आएगा एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें आपके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे तो जब दोनों यहाँ पर प्लस प्लस दिए तो ऑब्वियसली माइनस आना चाहिए एक्स और बाई के टर्म्स में तो यहाँ पर हम एक्स की बात करेंगे यहाँ पर हम बाई की बात करेंगे अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव में आपको बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी हड़वान नहीं क्यों टू के आपको फैक्टर करने हैं देखो का अगर मैं फैक्टर करता हूं जिस तरह से टू और इंटू टू आपको करना होगा क्योंकि पर का 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 क्या है है ना तो टु टु, फोर के को फैक्टर करो कि आपका फाइव बन जाए तो आप क्या कर लो फोर इंटू वन कर दो फोर और वन तो आपका ये फाइव बन जाएगा तो प्लस का फोर और प्लस वन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो टू इंटू टू फोर आपका मिल जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो आपका प्लस का फाइव बन जाएगा तो एक्स की आपकी दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर तो प्लस का फोर क्या हो जाएगा माइनस का फोर हम लिखेंगे तो पहले हम वन को लिख लेते हैं माइनस वन और यहाँ पर माइनस फोर और टू से डिवाइड भी करना होगा तो ये आपका कितना आ जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट फाइव लिख लो इसको और ये कितना आ जाएगा माइनस का टू अब इसी तरह से बाई की बात करें तो यहाँ पर ये यह ट्वेंटी है ट्वेंटी के फैक्टर करो जिससे आपके नाइन आ जाए तो आप क्या करो फाइव और फोर कर दो प्लस बनाना है तो दोनों प्लस प्लस कर दो दोनों को जोड़ोगे नाइन बन जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का ट्वेंटी बन जाएगा तो बाई की दो वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पर प्लस का फाइव दैट मीन्स माइनस फाइव हो गया और ये कितना हो गया माइनस फोर हो गया ठीक है अब दोस्तों जब कभी भी माइनस की वैल्यू को कंपेयर करना हो तो मैंने आपको बताया देखो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू है ये क्या है जीरो पॉइंट फाइव है माइनस का और ये कितना है माइनस का टू और यहाँ पर बाई की भी दो वैल्यू हैं ये है माइनस फाइव और यह है माइनस फोर तो जब माइनस माइनस में आपस में करना है तो क्या है सबको प्लस कर दो सारे प्लस कर दो जहां जहां माइनस लगाओ ठीक है अब देखो इनके बीच में रिलेशन क्या निकल कर आएगा जीरो पॉइंट फाइव जो है वो इन दोनों से छोटा होगा मैंने छोटा लगा दिया टू जो है वो इन दोनों से छोटा है मैंने यहाँ पर छोटा ऑलरेडी लगा दिया तो अब जब आपने सिम्बल अपोजिट किए तो आपका रिलेशन क्या है एक्सिस लेस देन आया और ओरिजिनल सिंबल माइनस थे तो आप इस लेस देन को भी अपोजिट कर दो जब आपने माइनस का प्लस किया तो जो लेस देन आया इसका भी आपको सिंबल का अपोजिट करना होगा जो लेसर देन है तो क्या हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन बाई तो यहाँ पर हमारा रिलेशन क्या निकल कर आएगा एक्स इज ग्रेटर देन बाई बाकी आप देख सकते हैं कि माइनस में जीरो पॉइंट फाइव जो है वो ये काफी बड़ा होगा इस माइनस वाले 5 से इसी तरह से माइनस टू है वो भी बड़ा होगा इस माइनस फोर से जो मैंने आपको स्केल बताया था स्केल में स्के पर होता है ये 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 आपका टू, ये आपका आपका और इधर बढ़ते जाओगे माइनस फोर होगा तो देखो माइनस टू जो है इस वाले माइनस फोर से तो ये जीरो के ज्यादा नजदीक है तो ऑब्वियसली माइनस टू बड़ा होगा इस माइनस फोर से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं बाकी सिंपल फंडा यही है कि माइनस को प्लस बना लो और जो आपका रिलेशन आए तो उसको आप अपोजिट कर दो ठीक है तो ये रिजल्ट कितना है एक्स इज ग्रेटर देन बाई तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हो पहला वाला ये राइट right आंसर है अब मैं अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर की तो देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही है प्लस फोर प्लस वन प्लस फाइव बाई प्लस सिक्स तो ऑब्वियसली एक्स की दो वैल्यू आपकी दोनों वैल्यू निगेटिव आएंगी क्योंकि जब दोनों प्लस रहते हैं तो निगेटिव ही आता है अब वन इंटू थ्री कितना हो गया थ्री हो गया थ्री को ब्रेक करना है फोर बन जाए तो थ्री कॉमन बन वन मैंने बना लिया प्लस का थ्री प्लस का वन तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू थ्री थ्री मिल जाएगा आपको दोनों को जोड़ोगे आपको फोर मिल जाएगा तो एक्स कितना है माइनस थ्री और माइनस वन तो यही आपको करना होगा माइनस थ्री बाई थ्री क्योंकि तीन से डिवाइड भी करना है ना जो कोफिशेंट होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का वन और यहाँ पर कितना आएगा पॉइंट थ्री थ्री वो भी माइनस का होगा इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सिक्स को सिक्स को हमें फाइव बनाना है तो आप क्या करो थ्री और टू कर दो तो यहाँ पर बाई कितना आ गया तो ये आपका प्लस थ्री और प्लस टू होगा तभी तो दोनों का एडिशन जो है प्लस फाइव बनेगा और दोनों की मल्टीप्लाई सिक्स बन जाएगी तो यहाँ पर आप देख लो ये आपका माइनस थ्री और माइनस टू आ गया सेम केस यहाँ पर भी करो माइनस वाले को प्लस बना लो ओके तो जैसे ही आप माइनस को प्लस बनाओगे तो ये वाली वैल्यू क्या है इससे भी छोटी हो जाएगी इससे भी छोटी होगी पॉइंट थ्री थ्री इन दोनों से छोटी होगी तो अल्टीमेटली जब सिंबल का अपोजिट करोगे तो आपको ग्रेटर देन मिल जाएगा तो यहाँ पर रिजल्ट क्यागा एक्स इज ग्रेटर देन वाई ओके तो इस तरह से हम कंपेयर आसानी से कर सकते हैं एक और जो है फिफ्थ क्वेश्चन इसकी मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों ये सी का केस है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि केसेस uh, में बताऊंगा सी कब कब होता है ठीक है सी आप ये देख लें कि जब कभी भी अपोजिट सिम्बल आ जाए जैसे एक्स इक्वल आ गया फिर एक बार आपका एक्सिस ग्रेटर देन बाई आ गया फिर आपका एक्सिस लेस देन बाई आ गया तो यहीं पर सीएनडी लग जाएगा क्योंकि सिंबल अपोजिट कहीं पर भी मिल जाए या फिर एक्सिस लेस देन बाई आया एक्सिस ग्रेटर देन बाई आया केवल दो कंपेयर हैं तब भी सिंबल अपोजिट है वहाँ पर भी आपका क्या लग जाएगा ये सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन नंबर फाइव वाला ये केस लग जाता है अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ है बेसिकली अब यहाँ पर सिक्स लिखा है सिक्स इंटू टू कितना हो गया ट्वेल्व हो गया यहाँ पर अब ट्वेल्व के फैक्टर मुझे करने क्या बनाया है माइनस का सेवन यहाँ पर बनाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ फोर और थ्री करूंगा माइनस फोर माइनस थ्री दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा प्लस का ट्वेल्व बन जाएगा दोनों को जोड़ूंगा माइनस का सेवन बन जाएगा मतलब कि एक्स की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर माइनस फोर को क्या लिखोगे प्लस फोर लिखोगे माइनस थ्री को प्लस थ्री क्योंकि सिंबल अपोजिट होते हैं जब रूट लिखते हैं टू से डिवाइड कर दो एक्स का कॉफिशियंट है ये अब यहाँ पर देखो टू से आप टू के ऐसे फैक्टर कर हैं कि आपको थ्री मिल जाए माइनस का थ्री वो भी तो टू बंजर टू होता है टू कॉमो वन कर दो तो माइनस का टू और माइनस का वन अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस का टू मिल जाएगा और दोनों को जोड़ दोगे तो माइनस का थ्री मिल जाएगा तो यहाँ पर बाई की दो वैल्यूज आपकी आ गई तो देखो ये कितना है माइनस टू है माइनस टू को अगर आप अपोज करते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का टू आ जाएगा वन का क्या आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा ओके okay. अब यहाँ पर देख लो इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा प्लस का टू और इसका कितना आएगा ये आएगा प्लस का वन पॉइंट फाइव अब देखो प्लस का टू जो है वो इसके तो बराबर में है और इस वाली वैल्यू से क्या है बड़ा है तो मैंने बड़ा है और बराबर दोनों सिंबल यहाँ पर लगा दिए अब ये जो प्लस का 1.5 है ये क्या है इस वाले टू से तो छोटा है ना तो छोटे का सिंबल यहाँ पर लगा दो और इससे बड़ा है तो बड़े का लग चुका है अब यहाँ पर देखो तीन सिंबल आ गए पहला ग्रेटर आया फिर आपका इक्वल आ गया फिर लेसर देन आ गया तो जब तीन सिंबल आ गए अपोजिट वाले भी, ग्रेटर और देन, तो यहीं पर दोस्तों केस क्या हो जाता है? आसान है तब भी ठीक है लेकिन छोटी गलतियां भी नहीं करनी है क्योंकि हमें प्लस फाइव मार्क्स वहां पर लेने इस वजह से मैं आपको ये वीडियो अब तक लेकर आ रहा हूं ओके तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक आप यहां पर अदर वीडियो देख सकते हैं लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और भी बहुत कुछ आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हर एक नई वीडियो के लिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें थैंक यू फ्रेंड्स हैव अ गुड डे